एक सूत्री मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भरोसा जताते हुए जल्द मांग पूरी करने की मांग की। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों ने अपने एक सूत्री मांग नियमितकरण को लेकर आवाज बुलंद की है। इसी कड़ी में दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। बता दें कि सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों ने इस मामले में बताया है कि संविदा नियमितकरण की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के लिए रथ यात्रा निकाली गई, जो राज्य में अपने विरोध प्रदर्शन और चुनावी वादे को पूर्ण कराने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने 15 मई से प्रत्येक जिलों में प्रति दिवस संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा अब नहीं तो कब के थीम पर रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसकी शुरुआत बलौदा बाजार से शुरू कर रायपुर में समापन की जाएगा। इस कड़ी में आज दुर्ग में 21वें दिन रैली निकालकर विरोध जताया गया। इस संबंध में महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी है। एक सूत्री मांग है नियमितीकरण। हम अपने लक्ष्य को लेकर के हम 2017 से पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल कर चुके हैं, जिसपे मुख्यमंत्री जी जब पद में नहीं थे वो आके हमें आश्वासन दिए थे कि जब भी उनकी सत्ता आएगी तो हमको कुछ दिनों के अंदर नियमितीकरण कर देंगे। लेकिन अभी तक 4.5 साल उनके कार्यकाल में हो गया और अभी तक हमारे मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया गया है। लेकिन मैं अपने मुख्यमंत्री जी को जानती हूँ, अब जब भी हम हड़ताल करते हैं तो वो आश्वासन देते हैं, कभी भी उसके विपरीत नहीं जाते। अभी भी बोलते हैं करूंगा, लेकिन पता नहीं अब हम इस आस में बैठे हैं कि अब हमारी रथ यात्रा वाली भी जो हम निकाले हैं वो कंप्लीट होने वाला है, तो उसके पूरे होते होते शायद हमारी मांग भी पूरी कर ले। हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है और वो है कि नियमितीकरण। संविदा कर्मचारियों की संख्या लगभग 45,000 है छत्तीसगढ़ में, और ये अनेक विभाग अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं। और अभी चूँकि ये जो रथ यात्रा चल रही है ये सारे ज़िले में भ्रमण है, अपन सारे ज़िले में भ्रमण करके हम सारे संविदा कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं। चूँकि हम लोग सरकार के पास से जा करके हम लोग कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 14 फरवरी 2019 को हमारे मंच में आके घोषणा किए थे कि इस साल का किसान किए हम लोग और अगले साल हम लोग कर्मचारियों करेंगे, लेकिन चूँकि 4.5 साल बीत गया अभी तक की मांगें हम लोगों का पूरी नहीं हुई है। इस कारण हम लोग यही चाहते हैं कि सभी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण हो। हमारा नियमितीकरण का मांग है, पेंडिंग मांग है। 2018 में जब कांग्रेस सरकार विपक्ष में थी तो हमारे मंच पे आई थी और बोली कि यदि हमारी सरकार आती है तो 10 दिन के भीतर में हम आपको नियमितीकरण करेंगे। सर, आप जान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने 4.5 साल का समय हो चुका है, लेकिन नियमितीकरण का दूर की बात, हमारा जो संविदा वेतन वृद्धि होता है वो भी आज दिवस तक लंबित है। और 14 फरवरी 2019 को माननीय CM साहब हमारे मंच पे आए थे, बोले थे ये साल किसानों का है और आने वाला साल कर्मचारियों का होगा, लेकिन उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं कि कब CM साहब हमारे पूना मंच में आए और हमको नियमितीकरण का सौगात दें। सर, हम लोग हमारे द्वारा आवेदन निवेदन बहुत किया गया है, आवेदन निवेदन को हमारा स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए हमको मजबूरी होके हम 16 मई से जांजगीर जिला के जो शिवरी नारायण मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ से हम लोग संविदा नियमितीकरण कर रथ यात्रा निकाले हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में ये भ्रमण कर रही है। आज हमारा दुर्ग 20वां दिन है और हम ये पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, हम लोगों को संगठित भी कर रहे हैं, हमारे जो जितना भी संविदा के पदाधिकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको, यदि 21 जून के पहले सरकार हमारी नियमितीकरण की घोषणा नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक में जाएंगे। इसके लिए कोई भी जिम्मेदारी घटना दुर्घटना होती है उसका समस्त जिम्मेदारी शासन की होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।